अंडर 30 के मोस्टली जितना भी लैपटॉप आता है आपका काटने के लिए ही बना हुआ है। तो ध्यान से सुनो, 30K के अंदर में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा पेंटियम इंटेल सेलेरियन i5 एंड i3 का 10 जनरेशन या तो उसका नीचे प्रोसेसर, एंड AMD की तरफ से 3150U, 3050U एंड 3250U। इन सारे प्रोसेसर से दूर रहो तो ही आपका भला है। और जिस लैपटॉप में 4GB का रैम है उसका जमाना तो गया। आपको मस्त तीन धमदार लैपटॉप बताएंगे जो लेटेस्ट भी है एंड फ्यूचर प्रूफ भी है। फर्स्ट एंड मोस्ट चॉइस इज Acer Aspire 3। इसमें आता है AMD का लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर Ryzen 3 7320U और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। बस इतना ही नहीं, ये लैपटॉप को खास बनाता है इसका 8GB का रैम। अभी 8GB का रैम कब से खास होने लग गया? ये खास इसीलिए है क्योंकि ये DDR5 है जो DDR4 से ऑलमोस्ट 50% ज्यादा पावरफुल है। पावर भी कम कंज्यूम करता है देन DDR4। और स्टोरेज इसमें 256 SSD मिल जाएगा जो थोड़ा कम लग सकता है आपको, लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो सब कुछ क्लाउड में स्टोर करो। और GPU इसमें AMD Radeon ग्राफिक्स दिया है जिसमें हल्का फुल्का गेम आप मस्त खेल सकते हो। साथ में स्टैंडर्ड 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और इसका कनेक्टिविटी भी लेटेस्ट है विद टाइप सी कनेक्टर। और तो और इसमें HD वेबकैम भी दिया गया है विद टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन के साथ में। प्लस इसमें विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिल जाएगा और इसका वजन है 1.78 kg। अब नेक्स्ट लैपटॉप जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तीनों लैपटॉप तो बेस्ट हमने चूज किया है, लेकिन इन तीनों में से भी जो बेस्ट होगा वो हम कंपेयर करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले लैपटॉप नंबर 2 एंड द सेकंड मोस्ट लैपटॉप इज Acer Extensa 15। ये आता है इंटेल कोर i3 N305 प्रोसेसर के साथ में। इसमें 8 कोर्स है। अब 8 कोर्स सोच के हैरान मत होना, ये 8 कोर्स वो 8 कोर्स नहीं है, दे आर एफिशिएंसी कोर्स। इसमें परफॉर्मेंस कोर्स नहीं दिया गया है। अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आगे तीनों को कंपेयर करेंगे तब देख लेंगे किसमें कितना दम है। और Extensa 15 को भी खास बनाता है 8GB का DDR5 रैम जिसमें 256GB का SSD दिया गया है और इसमें इंटेल UHD ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल है। अगेन इंटेल का UHD ग्राफिक्स कार्ड भी लाइट गेमिंग के लिए मस्त है, लेकिन इसे हम कंपेयर करेंगे। और इसमें मिल जाएगा 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले, साथ में HD वेबकैम। और कनेक्टिविटी में पोर्ट्स तो सारे है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप सी है कि नहीं वो देखना है हमें, और वो है। और साथ में इसमें प्री इंस्टॉल विंडोज 11 आता है और MS Office भी दिया गया है। और ये एक लाइट लैपटॉप है विद 1.7 kg। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। ये आता है इंटेल कोर i3 1115G4 प्रोसेसर के साथ में और इसमें 8GB का रैम आता है और इसे आप अपग्रेड कर सकते हो अपटू 16GB तक। और साथ में बाकी लैपटॉप की तरह इसमें भी 256GB का SSD दिया गया है और डिस्प्ले इसका फुल HD है 15.6 इंच के और GPU है इसका इंटेल UHD। और इसका वेबकैम की अच्छी बात यह है कि ये प्राइवेसी शटर के साथ आता है और कंपनी क्लेम कर रहा है कि 6 आवर का बैटरी बैकअप दे सकता है। प्लस इसमें रैपिड चार्जर का फैसिलिटीज दिया गया है जो 1 घंटा में 80% तक चार्ज कर देता है। इन एडिशन टू दैट प्री इंस्टॉल विंडोज 11 एंड ऑफिस तो आपको मिलने ही वाला है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और ये लैपटॉप को चूज करने का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये 2 साल वारंटी के साथ आता है और इसका वेट है 1.65 kg। अंडर 30 के बेस्ट इन लैपटॉप इज Acer Aspire 3, Acer Extensa 15 एंड Lenovo IdeaPad Slim 3 और इसका प्रोसेसर है फ्रॉम Ryzen एंड इंटेल। पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर मस्त है? सिंपल, बेंचमार्क देख लेंगे। Cinebench R23 सिंगल कोर स्कोर में इंटेल कोर i3 1115G4 लीड करता है विद ए पॉइंट ऑफ 1319 और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Ryzen 3 7320U लीड करता है विद 4413 पॉइंट्स के साथ में। तो मतलब एकदम सिंपल है, अगर मल्टीटास्किंग करना है तो Acer Aspire 3 के साथ चले जाओ, या तो कोई सिंगल एप्लीकेशन में ज्यादा काम करना है तो डेफिनेटली Lenovo IdeaPad 3 आपके लिए बेस्ट होगा। और रैम तो तीनों का 8GB दिया गया है पर Acer ने DDR5 यूज किया है और Lenovo ने DDR4, सो प्लस पॉइंट गोस विद Acer। और GPU में AMD यूज करता है Radeon ग्राफिक्स जबकि Intel यूज करता है UHD ग्राफिक्स। और दोनों को हेड ऑन कंपेयर करेंगे तो गेमिंग परफॉर्मेंस में Radeon हर वक्त ज्यादा FPS दिया है। पहली बात तो ये गेमिंग लैपटॉप है नहीं, तो ये पॉइंट को कंसिडर करना उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन तब भी आपका शौक हो सकता है कि फ्री टाइम में थोड़ा गेम खेल ले, देन यू मस्ट गो विद Acer Aspire 3। और वेबकैम तो तीनों का सेम है पर प्राइवेसी शटर के साथ में Lenovo थोड़ा आगे निकल जाता है। एंड द नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी ऑप्शंस। Acer ने टाइप सी प्रोवाइड किया है जबकि Lenovo USB 3.2 तक ही है अभी, पता नहीं कब टाइप सी डालेंगे, पर आजकल टाइप सी बहुत ही जरूरी हो गया। एंड द नेक्स्ट फाइनल डिफरेंस इज द वारंटी। Acer 1 साल का दे रहा है जबकि Lenovo 2 साल का दे रहा है। और इस टेबल को देख के आप पूरी कहानी समझ सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप अंडर 30K चुन सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए डेफिनेटली गो विद Acer Aspire 3 क्योंकि इसका प्रोसेसर मस्त है प्लस रैम भी DDR5 दिया गया है। अगर आपके लिए वारंटी एंड प्राइवेसी ज्यादा मैटर करता है देन डेफिनेटली गो विद Lenovo IdeaPad Slim 3। और आपको दोनों का बीच का चाहिए देन डेफिनेटली चूज Acer Extensa
एक्सेंसा 15। अगर आपका बजट थोड़ा से बढ़ा सकते हो, मस्त वाला कमाल का लैपटॉप इस वीडियो में दिया गया है, जाके एक बार देख लो, पक्का बोलता हूँ मजा आ जाएगा। राधे राधे।